नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हिंदुस्तान के हर हिस्से में गया हूं और मैंने कहीं भी एक भी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो भीख मांगता हो या चोरी करता हो। मैंने उस मुल्क में इतनी दौलत देखी है, ऐसी तालीम और तहजीब देखी है और ऐसे ऐसे काबिल लोग देखे हैं कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि हम हिंदुस्तान को कभी अपने कब्जे में ला सकेंगे। उस पर कब्जा करने का एक ही तरीका है कि हम उस कौम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें और वो है हिंदुस्तानियों की रूहानी और तहजीबी विरासत। मेरी तजवीज़ यह है कि हमें वहाँ के पुराने तरीक़ा तालीम और तहजीब को बदल देना होगा तो उनका वो फ़ख्र और गुरूर जो उन्हें अपनी तहजीब पर है खुद ब खुद टूट जाएगा और पूरी कौम वो बन जाएगी जो हम उसे बनाना चाहते हैं, एक ग़ुलाम कौम। एक धड़कते डर
पे हाँ जला लूं एक मशाल, कुछ तो रोशनी होगी रास्ते की वहशत में, कुछ ना कुछ कमी होगी। Your Majesty, allow me to introduce Amir Haider, Raja of Anhawara, inheritor of the largest landholding in the Terai region of Aut. He must be brought up like an English boy, believing in our laws and our sense of fair play. Do you hear me? Yes, Your Majesty. Raja Sahib, Huzur Malkai Aliya farma rahi hain ki aapki taleem aur tarbiyat ekdam angrezi bachchon ki tarah ki jayegi. Your father was a loyal subject, and I loved him dearly. He died valiantly fighting for me. Grow up quickly and avenge your father and your queen. This is a token of our love and trust in the future Raja of Anhawara. I'm greatly honored, Your Majesty. He is now a true Englishman, Sir John Cavendish. Then my work is complete, Your Majesty. Not yet, Sir Cavendish. We have decided to appoint you as the Chief Commissioner of Aud to properly administer that tragically mismanaged region. And of course, you will also see that the boy does not stray from the path of loyalty. ये सिर्फ हाथों का खेल नहीं है, ये दिमाग का कमाल है। जब आपका जिस्म और आपका ध्यान एक नुक्ते पर जमा हो जाएं, तो आप सर से पांव तक हथियार बन जाते हैं। फिर सामने लाठी, बर्छी, बल्लम भाला कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात याद रखिएगा, इस फन को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको यकीन हो कि आप हक पे हैं। हक अली। तेरी नजर से जो कोई नजर लड़ाएगा, तेरी नजर से जो कोई नजर लड़ाएगा, वो दिल पे चोट कलेजे पे तीर खाएगा, तरह तरह ये कहता जाएगा। अब तो सीधी होती है, क्या उठाऊं जूती? अम्मा, आप क्यों उठाएंगी? हम उठा लेते हैं आपकी जूतियाँ। रियाज कर, वरना मैं दरगाह पे जाना बंद कर दूंगी। लो, आ गई मलका टोरिया। तेरी कटीली निगाहों ने मारा, तेरी कटी मारा मारा तेरी कटीली
कटीली। मैं मारी जाऊं चश्मे बदूर। बच्ची का सदका उतार जी। अल्लाह नजरे बस अल्लाह सलामत रखे मेरी बच्ची को। अगर तुम हमारा हुक्म नहीं मानेगा तो जानता है क्या होगा। बेटे खुश रहिए, जीते रहिए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम अपनी आंखों से तुम्हें अनलवाड़ा वापस आते देख सकेंगे, मगर मौला ने हमारी दुआओं की लाज रखी। हमें भी वतन वापस आके बहुत खुशी हो रही है नाना जान। कान तरस रहे थे ये एक लफ्ज सुनने के लिए। And the great ship that we travel upon. बहुत खूब, बहुत खूब। और ये देखिए। अरे वाह, ये तो मलिका है आपके साथ। हुजूर, राजा साहब अलीपुर तशरीफ ला रहे हैं। अरे वाह, खुशामदीद, खुशामदीद। आइए, आइए, आइए राजा साहब। अमीर बेटा, आपसे मिलिए। आप है राजा राज राजेश्वर नारायण दत्त सिंह। How do you do, sir? ऐसे नहीं मियां साहबजादे, गले मिलिए। जाना तो आपकी माँ को मैंने बेटे बनाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल अपने वालिद पे गए हैं। लेकिन जालिम ने मेरी बेटी की आंखें चुरा ली हैं। बेशक। हमें इजाजत दीजिए नाना जी। आइए शाह साहब। सादा आइए राजा साहब, तशरीफ रखिए। क्या आपने उसको बताया यहां क्या हुआ था? राजा साहब, अगर बताने की हिम्मत होती तो इन हाथों में चूड़ियां नहीं पहनते। राजा साहब इजाजत है? बिस्मिल्लाह। दिलों जा जी जी कर ले।
अच्छा नाच है मुश्तारी भाई साहिबा, मगर बहुत खतरनाक भी है। इस नाच के वजह से आउट की बादशाहत चली गई है। वैसे तो इंडियन डांस की बहुत बुराई सुनी थी हमने, लेकिन आप बहुत अच्छा नाच करती हैं। हमारा मतलब है बहुत अच्छा रक्स करती हैं आप। सच? हमने आज तक ऐसा नहीं देखा था। हाँ, मगर क्यों कर देखते, मलका टोरिया को तो कथक आता ही नहीं। आप शायद हमारा मजाक उड़ा रही हैं। तौबा तौबा, हमारी क्या मजाक जो हुजूर का मजाक उड़ाए। हम तो ये अर्ज कर रहे थे कि सरकार पूरे अंग्रेज बन चुके हैं, बरसें लग जाएंगी अवध को समझने में। भेजा ठंडा रखा कर नूर, यूं महफिल छोड़ के चले आना हमारा दस्तूर नहीं है। आपने सुना नहीं वो लाल मुंह का बंदर क्या कह रहा था? हाँ, क्या? हम उनके सामने फिर नहीं नाचेंगे। तुम किसके सामने नाचोगी ये हम तय करेंगे। अगर हम चाहें तो तुम्हें कुत्तों के सामने भी नाचना पड़ेगा। हम कुत्तों के सामने नाचने को तैयार हैं। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। You little bitch.
Do you think I don't know what you're doing? Sitting there, making eyes, flirting with those black bastards. I won't do it again. I promise, Mr. Cavendish. I'll be good. I promise. Oh, that hurts. Yes, you will be good. I'll do nothing without my say-so. All these fine silks. These jewels come at a price. You know that, little cat. Yes, Mr. Cavendish. यारो सुनो ये दही के लुटैया का बालपन और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन वाह मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन बन बन के ग्वाल गौएं चरैया का बालपन बहुत खूब ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये लीजिए हम सारे इलाके का चक्कर लगा कर आ गए और यहाँ अभी तक बनाव सिंगार ही चल रहा है अरे खुदा का खौफ रखिए राजा साहब खुदा का खौफ रखिए ये चार बाल काटने को बनाव सिंगार नहीं कहते हैं आदाब चौहान सुनाइए जो सुना रहे थे कुछ नहीं वो कृष्ण कन्हैया की शान में नजीर अकबर आबादी साहब की नज्म सुना रहा था आइए आइए तशरीफ ले आइए अब घुटनियों का उनके क्या चलना बयां करूं या मुख से मीठी बातें निकलना बयां करूं या बालकों में इस तरह पलना बयां करूं या गोदियों में उनका मचलना बयां करूं वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चलते ठुमक ठुमक के जो वो दगमगाती चाल थामे कभी जसोदा कभी नंद ले संभाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यही तो है हमारी गंगा जमनी तहजीब शायर मुसलमान है मगर श्री कृष्ण के बारे में क्या लिख रहा है वाह सुभान अल्लाह हुजूर इधर हिंदू शायर का भी यही आलम है रसूल अकरम की शान में ऐसी ऐसी नातें लिखी हैं क्या कोई मुसलमान लिखेगा बेशक बेशक लेकिन ये सारी बातें अमीर समझ पाएंगे यही फिक्र हमें सताती है वो इस रियासत के राजा हैं उन्हें अपने बुजुर्गों के तौर तरीके जानना बहुत जरूरी है आप अजा फरमाते हैं मगर हुजूर अमीर मियां को ये सारी बातें आप और हम नहीं समझा सकते उमर साहब आप उसको किसी ऐसे मदरसे में क्यों नहीं भेज देते हैं जहां हमारे आदाब सिखाए जाते हैं ऐसा मदरसा कहां है राजा साहब जाना तो शरीफ जादे तवायफों के कोठों पर सिर्फ नाच गाना देखने ही नहीं जाते तहजीब सीखने भी जाते हैं और फिर आपकी पुरानी महबूबा मुश्तरी जान से बेहतर उस्ताद और कौन होगा राय तो बहुत अच्छी है राजा साहब लेकिन अमीर इस बाजारी नाच गाने को अच्छा नहीं समझते वो नहीं जाएंगे आप मुश्तरी जान से बात करके तो देखिए नूर की एक मुस्कुराहट उसे ऐसे खींच लेगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है एंड दिस इज वेयर द आउट तालिकदार्स विल बी अकोमोडेटेड द मुस्लिम्स हियर एंड द हिंदूज हियर
Our talukdars won't mind staying together, sir. They're united as a class. Well, my friend, they will not stay that way for long if I have my way. Tell me, do these fellows have a club of their own? Yes. The British Indian Association. My grandfather has made me join as a member. Then perhaps I can address them when your British Indian Association has its elections. I've been told they elect their president unanimously, sir. Oh, no. We can't have that, can we? In the interest of democracy, there must be fair and free elections. And in the interest of fairness, there will be one Hindu and one Muslim candidate. You, of course, will be the Muslim candidate. I cannot do that, sir. Nobody will vote for me. You will be surprised. I will speak with the Hindu candidate, ask him to stand and then step down in your favor. But, sir... Take it as an order, Amir. The Queen will appreciate your gesture. समझ लीजिए कि आपका काम हो गया कुंवर साहब बस एक बार साहब जादे को यहां पहुंचा दीजिए फिर मुश्तरी जान का कमाल देखिएगा सोना आएगा और कुंदन बन के जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसे रखिए रख भी दीजिए पेश की समझ लीजिए आए अल्लाह की संवार बच्ची तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो तुमसे हमने कहा नहीं था कि मगरिब से पहले तैयार हो जाना पूछने से पहले शम्मा को परवाना चाहिए मजनू के बाद दश्त को दीवाना चाहिए हाय अल्लाह अम्मा आप कितना अच्छा कहती थी ये तुम्हें हमारी बयाज कहां से मिली रुको रुको नूर अम्मा ये खजाना आपने अलमारी में छुपा रखा था नूर एक मिनट यहां तो कुछ और भी लिखा है अम्मा पढ़ा नहीं जा रहा है बेगम हजरत महल के काफिले पर हमला खबरदार जो तुमने हमारी चीजों को छुआ अगर हम पढ़ भी लेते तो क्या हो जाता जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें पढ़ने दूंगी अभी ऐसा करो तैयार हो जाओ ये लो रुपट्टा राजा साहब नलवारा तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा चलो नसीबन जी गिलोरियां बना के जल्दी नीचे आओ अच्छा बेगम साहब वो काले साहब बहादुर उठो जी हम बनाते हैं क्या तुम आदाब आइए आइए हुजूर आदाब आदाब सरकार तस्लीम आदाब आदाब मुजरा अर्ज करते हैं हुजूर पान से शौक फरमाएंगे पान हम पान नहीं खाते राजा साहब आपके नाना जान का हुक्म है कि आपको नवाबों और राजाओं के आदाब सिखाए जाएं आप यूं टका सा जवाब देंगे तो कैसे काम चलेगा हम सचमुच पान नहीं खाते तो आज से खाना शुरू कर दीजिए आप कहती हैं तो खा लेते हैं अरे ठहरिए हुजूर इस तरह से नहीं सरकार पहले थाली में कुछ नजराना रखिए फिर गिलोरी उठाइए ग्लोरी ओके अल्लाह जल्दी कीजिए ना हमारा तो हाथ थक गया सॉरी बिस्मिल्लाह अरे आप तो बिल्कुल अनाड़ी हैं पूरी ग्लोरी मुंह में रखी
पूरी 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 ग्लोरी जी। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ हुजूर क्या हुआ? अरे इस ग्लोरी में क्या था? तुम्हारा सारा मुख। अल्लाह। अरे नसीबन नामुराद। जी आई। नसीबन इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी तक पान लगाना नहीं है। राजा साहब के पान में इतना चूना लगा दिया कि उनका मुंह कट गया। जी पान तो बीवी नूर ने लगाया था। नूर ने? जी। माफी चाहती हूँ राजा साहब, भूल हो गई। जई सा कथा चाट लीजिए। नो नो नहीं नहीं हमें इजाजत, सारा मुंह कट गया। सरकार ये लौंडिया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, नाक कटा के रखेगी मेरी। रॉबर्ट साहब अब ले सकते हैं। जितनी खूबसूरत मेरी बेटी है उतनी ही खूबसूरत इसकी फोटो होनी चाहिए। मेरी बेटी मेहरू निशा अब दुल्हन बनेगी दुल्हन। आदाब शौक साहब। आदाब बजा लाता हूं। तशरीफ ले आए आप। जी कहिए इस खाकसार को कैसे याद किया आपने? राजा साहब कैसे हैं? दो दिन से नजर नहीं आ रहे। क्या बताएं, उनकी तबीयत खराब चल रही है। पता नहीं किसने उन्हें चूने का पानी पिला दिया। हलक सूझ गया है और मुंह में छाले पड़ गए। हाय अल्लाह, किस नामुराद ने उन्हें चूना लगा दिया? यही तो समझ नहीं आता कि अमीर जैसे भले आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है। उनकी आंखों को देखकर अख्तर नशा बेख्तियार आ जाए, चंपाई रंग यार आ जाए, निखते खुशगवार आ जाए। सुभान बैद जी से शहद लाए हैं, जई से चख लीजिए, गला ठीक हो जाएगा। ये शहद हम चख तो लेंगे लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। बताइए। एक अच्छी सी गजल सुना दीजिए। कौन सी गजल सुनिएगा? वाजिद अली शाह की ये गजल है, चंपई रंग यार आ जाए, निखते खुशगवार आ जाए। चंपई रंग यार आ जाए, चंपई रंग यार आ जाए, निखते खुशगवार।
پر غبار آ جائے رنگ یار क्या देख रही हैं हमारी आंखों में? आपको मालूम है क्या? आंखें बहुत मुफट होती हैं। जो बात ज़बान पर ताले डाल देती है, आंखें एक नजर में कह देती हैं। अच्छा, तो फिर बताइए कि हमारी आंखें इस वक्त क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि शाम हो गई है, दिए जले से पहले लौट जाना चाहिए। बिल्कुल गलत। हम सोच रहे हैं कि आज पूरे चांद की रात है, शाम होने को है। चलिए गोमती की सर को चलते हैं। चलिए, मजा आएगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि हम ऊपर आसमान की तरफ तो देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए कि हमारे साथ नीचे जमीन पर आप जाओ। माशाल्लाह, यहाँ आंखें ही नहीं ज़बान भी बोलती है। बहुत देर से ये दिल भी कुछ कह रहा है, सुनेंगे? बड़े भैया, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इससे पहले कि फिरंगी विक्टोरिया को हिंदुस्तान की मल्लिका बनाने का ऐलान करें, हमें फिरंगियों को मार के निकाल देना चाहिए और अपने बादशाह को कलकत्ते से लाकर वापस गद्दी पे बैठाना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर, अगर अल्लाह ने चाहा तो। खास साहब ठीक कह रहे हैं, हथियार उठाने का समय आ चुका है। हथियार 20 साल पहले भी उठाए गए थे, मगर अंजाम क्या हुआ? हम हार गए। कानपुर से इलाहाबाद जाने वाली बड़ी सड़क के दोनों तरफ हर पेड़ से लटकी हुई लाशें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। कौन थे वो लोग जिन्हें फांसी पे चढ़ाया गया, जिनकी लाशों को 2 गज जमीन या 2 मन नकली भी नसीब नहीं हुई? वो आपके बाप भाई बेटे ही तो थे, और आप चाहते हैं ये खून भरी कहानी फिर दोहराई जाए? साथियों, लड़ने के लिए जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है, और होश का तकाजा ये है कि आप अपने जोश को काबू में रखें।
साथ ही ये यकीन भी रखें कि इनकलाब जरूर आएगा। हाँ, हाँ। ये तावीज हमेशा अपने पास रखना जी। इसमें अवध की मिट्टी और गोमती का पानी और इस पे जो निशान है वही तुम्हारी पहचान है। ऐ जुल्फ परेशान हया तब तो सफर जा, ऐ जुल्फ परेशान हया तब तो सफर जा, दिन खत्म हुआ आ गई रात तब तो सफर जा, गैरों की बनी जाती है बात अब तो सफर जा, दीवानों की हो जाए नमा तब तो सफर जा, ऐ जुल्फ परेशान हया तब तो सफर जा। दर ने तुम्हें इज्जत तो तौकीर अता की, जिस दर ने तुम्हें खिल्लत तो जागीर अता की, जिस दर ने तुम्हें एक नई तकदीर अता की, जिस दर ने तुम्हें अजमत तामीर अता की।
करना चाहते हैं नूर। क्या आप भी हमसे मोहब्बत करती हैं? कितनी? खुद से ज्यादा। और अवध से कम। फिर ये मेहंदी का जुलूस निकालना, ये दुलदुल सजाना, ये सब जाना तो राजा का धर्म ही राजा का धर्म होता है। अगर हम हिंदू होके मुहर्रम मनाते हैं तो आपके नाना भी तो मुसलमान होके होली और दिवाली मनाते हैं। ये तो यहाँ की रिवायत रही है। नवाब वाजिद अली शाह रास लीला करते थे और खुद कन्हैया बनते थे। नवाब वाजिद अली शाह की तो बात मत कीजिए राजाना, वो तो एक नाकारा और निकम्मा बादशाह था जिसे गाने बजाने पतंगबाजी और कबूतरबाजी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। साहबजादे, अगर ये अफवाह ना उड़ाई जाती तो अंग्रेजों के पास नवाब को गद्दी से उतारने का कोई बहाना ना हो। बहाना नहीं, हकीकत है। हकीकत? हकीकत जानत हो? अंग्रेजी हुक्मरानों से मत पूछो, अवध के आम आदमियों से पूछो कि नवाब वाजिद अली शाह कौन थे और कैसे थे। मसनद लुटी जो शाह फलक के बारगाह की, हाथों से दिल को थाम के जैनब ने आह की। गुल था कहां छिपे, नहीं जा है पनाह की। फरियाद है, दुहाई है शेरे अलाह की। आका तुम्हारे अहले हरम लुटे जाते हैं, या शेर हक बचाओ के हम लुटे जाते। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? मुहर्रम में कोठा बंद रहता है, बाद में आइएगा। मुहर्रम? ओ नो मुहर्रम, दरवाजा तोड़ दो। 40 दिन तक गाना बजाना कुछ नहीं होगा। ये हराम के जने नशे में धुत हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। तोड़ दो दरवाजे क्यों? क्या हुआ अम्मा? तुम लड़कियों को लेके अंदर जाओ। चलो 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 चलो। और वो महापारा, महापारा कहाँ? महापारा? क्या बताएं बेबी, नशे में दूध। असगर मियां,
is this? ये क्या है? अली जान, हमको वाइन चाहिए है, वाइन। हुजूर, मुहर्रम में शराब का नाम लेना भी हराम है। अली जान, अरे अरे ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? अरे रोक कर, अरे छोड़ो, रोक कर, छोड़ो, अरे छोड़ो, 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 कहाँ जा रहा है? अरे मौला मेरे मौला, अरे मेरे मौला, अब क्या होगा? इन अंग्रेजों को मारने की सजा बहुत बड़ी होती है। And so, my dear friends and members of the British Indian Association, as a mark of gratitude from the Queen herself, His Excellency Lord Lytton, the Viceroy of India, has invited the Talukdars of Oudh to the Grand Durbar. And now to business. The names of the candidates for the election of the president of the British Indian Association of Oudh. The Hindu candidate, Raja Shyam Sundar Singh of Ganganagar. Hi, Maharaj. Hi. And the Muslim candidate, Raja Amir Haider. Wow. Good luck. Thank you. Mubarak ho, Mubarak. Mubarak ho, bete. Mubarak ho, Mubarak ho. Pranam. Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you. Leave that alone. You must never touch that. Do you hear? जाके वो अलम तो सीधा करो। और असगरमिया, शरबत के अंदर शकर कम ना होनी चाहिए, फीका रहा तो ठीक नहीं होगा। हाँ बिटिया, सलीके से बिछाओ फायदे से। राजा साहब, अनल वाला नादिन दिन्ना आ रहे। अम्मा, शाम को जनानी मजलिस है, आपने राजा साहब को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, तुमसे मिलने आ रहे होंगे। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा नूर साहबा की मिजाज पुरसी करते जाएं। जी बेशक। अरे कौन आया है मुश्तरी? खुदा इनको गारत करे, मुए मुर्दों का जनाजा खुर्री खटिया पर निकले, हरामजादे घर में घुस आए। अरे ये भी नहीं सोचा कि मुहर्रम है, है? क्या हो गया अम्मा? आदाब, कौन घुसाया, क्यों गुस्सा कर रही है? चार फिरंगी सिपाही आए थे। अरे बेटा, वो तो कहो अल्लाह ने बड़ा खैर कर दिया, पड़ोसी आ गए थे हिफाजत के लिए, उन कमबख्तों ने नूर को पकड़ लिया था, मौला जाने आगे क्या होता। ये अम्मा क्या कह रही है, हमें यकीन नहीं आ रहा। अंग्रेज तो बहुत इंसाफ पसंद, बहुत तहजीब याफ्ता कौम है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? गुस्ताखी माफ राजा साहब, आप सारी जिंदगी लंदन में रहे हैं, आपने वही देखा जो अंग्रेजों ने आपको दिखाया, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आप यहां आ गए हैं तो दूसरा पहलू भी देखिएगा। आप दिखाएंगी तो जरूर देखेंगे। Thank you.
यहाँ खेती कौन करता है? हम करत हैं माए बाप। तो ये जमीनें बंजर क्यों हैं? सरकार गेहूं की फसल जलाए के अफीम बोए की खातिर कोशिश करे रहे, अब वो भी नहीं होगी सरकार। लेकिन नई फसल के लिए खड़ी फसल को जलाने की क्या जरूरत थी? ये किसानों का फैसला नहीं हुजूर, सरकारी हुकुम है। समझ में नहीं आता इस जाहिल कौम ने इतने बड़े हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे कर लिया। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि अफीम की खेती के लिए ना तो अवध की जमीन सही है और ना मौसम। गेहूं की खड़ी फसल जबरदस्ती जला दिए और अफीम के पौधे इस धूप से जल गए। अब तो खेतों खाली है और पेटों खाली है, घर घर से जनाजे और अर्थियां उठ रही हैं हुजूर। तुम लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि अगर अफीम उगाओगे तो खाओगे क्या? बहुत फरियाद किए माए बाप। तो क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला है हुजूर। इन जमीनों का मालिक कौन है? ये आपकी रियासत है राजा साहब, आप हैं इन जमीनों के मालिक। तेलंगाना की तस्वीरें है जहां हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। सो ट्रेजिक। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि भूखमरी पूरे मुल्क में फैल गई है। 10 million people have died so far. 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग मर गए, मगर क्यों? Because the rice and the wheat has been the sense of Britain, and the farmers are being forced to grow opium. Forced to grow opium? Why are we forced to grow opium? हम अफीम क्यों गए आखिर? To make the Chinese addicted to it. It's the only way to make them weak. तबाही आई है। नवाब वाजिद अली शाह के जमाने में कभी कोई भूखा सोया था क्या? लो जाने कब यहाँ से इंतफा होंगे। जरा तुम आहिस्ता बोलो, कुछ सुनेगा। अरे जाओ। नसीबन, ओ नसीबन, गल्ले में से इनके लिए दाल और चावल ला करके दे दो, है ना? अच्छा जल्दी कर लो, चुप कराओ बच्चों, बस आ रही है, आ रही है। चुप, पैसा मिल जाती तो लड़कन का दूध ले लेते। अब जो कहा है वो मिल जाएगा। अब अगला दरवाजा देख नसीबन। बस अल्लाह रहम करेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। नूर, नूर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हजारों रुपए के जेवर उठा के दे दिए। जेवर तो फिर आ जाएंगे अम्मा, दुआ करो ये वक्त फिर ना आए। Thank you.
लौंडिया अब हाथ से निकली जा रही है अम्मा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे ये उसका खून बोल रहा है मुश्तरी, वो भी ऐसे ही दिल वाला था। क्या गजब हो गया है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के चुनाव में राजा गंगानगर ने अमीर हैदर के हक में अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए हम अपनी ओर से आपका नाम देना चाहते हैं। सदर बनने के लिए अमीर मुझसे बेहतर रहेगा, जवान है, तालीम याफ्ता है और जाना तो हमदर्द है। हुजूर, आपकी और कुंवर इकबाल की दोस्ती सर आंखों पर, मगर सवाल ये उठता है कि एसोसिएशन का मुसलमान सदर क्या हम हिंदू तालुकेदारों का साथ देगा? समाना बहुत बदल चुका है राजा साहब, अब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मुकर्रर वो देखिए, आपके दोस्त हिंदू राजाओं की मेज की तरफ जा रहे हैं, आप तो कहते थे कि वो हमारी तरफ है। जनाब जब वक्त आएगा वो हमारे साथ ही आएंगे। कुंवर साहब, आप अपने दोस्तों पे इतना फख्र नहीं कीजिए, धर्म का रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है। अरे भाई सीधी सी बात है, जब हम किसी हिंदू को अपना सदर मानने को तैयार नहीं है तो वो क्यों किसी मुसलमान का साथ देंगे? आप बजा फु 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 मार रहे हैं। आइए। क्यों राजा साहब, आप तो उनके ही खेमे में घुसे हुए हैं, खैरियत तो है? कुंवर साहब, हम तो दो पार्टों के बीच में फंस कर रहे हैं, जाना तो उनकी मानू तो बनेगा, ना मन तो आपको मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। दाद देनी चाहिए इन फिरंगियों को, जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए आए हुए और 300 साल पुराने हिंदू मुस्लिम रिश्ते खत्म कर दिए। हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे राजा नाना। आई मगर क्यों मिया, कमिश्नर साहब तो तुम्हारे नाम का ऐलान कर चुके हैं। ये PIA का इलेक्शन नहीं है राजा नाना, ये हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के मुकाबले पे खड़ा करने की साजिश है। ये तुम कह रहे हो बेटा? जी हां, हम समझ चुके हैं कि ये क्या खेल हो रहा है और हम इस खेल में मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे खुशी है कि देर से सही मगर तुम इन अंग्रेजों को समझ सके हो। जाना तो हम भी सोचत रहे कि वतन पर शहीद हो जाने वाले अब्बास हैदर का बेटा इन फिरंगियों का गुलाम कैसे हो सकता है। ये कहानी आपको किसने सुना दी राजा नाना? हमारे वालिद वतन पर शहीद नहीं हुए थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था जिसका इनाम हमें मिला। ये देखिए, ये देखिए मलका विक्टोरिया से वफादारी का सबूत। I've heard that you're raising the land taxes. Is it true? Yes. The Viceroy wants us to pay for the expenses of the Delhi Durbar. It is the only way to fill our depleted coffers. You cannot do that. How can famined and farmers pay more taxes? This is injustice of the worst kind. It's inhuman. Especially when the famine is your fault in the first place because you're growing opium instead of grain. Nonsense. Famine is just nature's way of controlling excessive population growth.
I seem to have been blind about so many things, Sir Cavendish. You're heartless. Pelloy, humne suna hai tum. Want to marry your daughter with the Raja of Anhawara? Yes, Commissioner Sahab. Yes, Commissioner Sahab. Meri beti Mehrunisa Amir Haider ko apna dil de baithi hai. Dil, you know, heart, heart, de diya. Yes, I understand. Amir, aapki aulaad ki tarah hai. Agar aap usko hukum karenge, to inkaar nahi karega. Phir isme British sarkar ka. Do you like it? Sweet? Fayda hai. Aur phir dono riyasatein ek ho jayengi, to lagan bhi to aapko ek saath milega. Khayal acha hai. I've seen a girl for Amir. Acha? Kaun hai wo? Farmaiye to. The daughter of Pelloy. Amir angrezon ki tarah azad khayal hai, Commissioner Sahab. Wo hamare aapke kehne se nahi, apni marzi se shaadi karenge. If he refuses, the queen will be very displeased. Commissioner Sahab, anaj mang rahe hain. This is a bloody revolt! Hold on. Don't fire. Koli mat chalana. Aap log yahan shikar khel rahe ho aur hamara bachcha bhook se mar rahe hain. Hame anaj chahiye. Hum afeem nahi ugayenge. Tum wahi ho na? Haan. हम वही हैं। अभी तक आपने कटे हुए हाथ देखे हैं, अब देखेंगे कटे हुए सर कैसे होते हैं। पागल मत बनो, इन बंदूकों के आगे तुम्हारी लाठी डंडे काम नहीं आएंगे, मारे जाओगे तुम सब लोग। मर तो हम यूं भी रहे राजा साहब, भूख से मरें या फिर गोली से। कोई नहीं मरेगा, हम कोशिश करेंगे कि रियासत के हर शख्स को अनाज मिल सके। हम फिरंगियों के गुलामों पर यकीन नहीं करते। हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारी बात पर भरोसा कर सकते हो तो करो। सुनिए, हम आपकी बात पे तो नहीं मगर नूर की बात पर यकीन करते हैं। नूर? हाँ, नूर। नूर ने कहा था कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। चलो। Amir, my darling. You are a magician. What did you say to those junglies? Commissioner sahab ko koi haq nahi hai hamari zindagi ka faisla karne ka. Beta, ye baat tum Noor ki wajah se keh rahe ho? नूर उस मेहरुन्निसा से हजार दर्जे बेहतर है नाना जान। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो मेहरुन्निसा से शादी भी करते और नूर से रिश्ता भी रखते। नहीं नाना जान, हम नूर को धोखा नहीं देंगे। Thank you.
आदाब मीम साहब। तुम इदा कितार? जी, हम यहीं रहते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो तशरीफ लाइए। कम नॉट नाउ, शॉपिंग को आया, अभी वापस जाता है। हाय अल्लाह, ये गले पे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी जाता फिर मिलता। कोचमैन, घर चलो जल्दी। तशरीफ रखिए। हमारी कोई बात हुजूर को नागवार गुजरी जो आप खफा हो गए? लेकिन हम तो आपसे खफा नहीं है। तो फिर इतने दिन ना खुदा है ना हमें याद किया। याद तो आप हमें हर वक्त रहती हैं, बस कुछ परेशानियों में थे। हमें नहीं बताएंगे? आप जानना चाहती हैं कि क्या परेशानियां? ये देखिए, दिल्ली दरबार की वजह से सरकार ने लगान बढ़ा दिया है। खुदा गारत करे, गरीबों के पास खाने को तो है नहीं, लगान कहां से भरेंगे? इसी बात की तो परेशानी है। क्या आप लगान वसूल करेंगे? So what have you done in regards to collecting the enhanced taxes, my boy? Hazir hai aapka tax. I see that you have managed to collect them very quickly. Your peasants are very loyal, if I may say. अनलवारा की भूखी प्यासी प्रजा के पास तो अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं हैं सा। ये रुपए हम अपने जाती खजाने से अदा कर रहे हैं। I cannot accept this money. This would set a bad example. And then what would you do next year and the year after that? You clearly want me to forget your lessons of freedom, fair play and equality, sir. Do you think you are a free man and that this is a republic? You are not a free man. So please remember your limits, Amir Haider. Yes. I know now that in my country, no one is free. Balam Dikji, chaliye. जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा कुंवर साहब।
मैं कब्रों को तोड़ने की कीमत नहीं लेती। अमीर, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं कि जिस लड़की की वजह से तुम अंग्रेजी सरकार को नाराज कर रहे हो वो तुम्हारे काबिल नहीं है। ये फैसला आपने कैसे कर लिया नाना जान? ये फैसला हमने नहीं, उसने खुद किया है। क्या मतलब? इस किताब में उन तमाम लड़कियों की तस्वीरें हैं जो बाजार में रखी गई हैं। ये किताब ताल्लुकदारों, राजाओं और नवाबों के पास जाती है ताकि वो कीमत लगाएं और खरीद सकें। और इस किताब में तुम्हारी महबूबा की तस्वीर भी है। नवाबों, राजाओं, ताल्लुकदारों के पास उसकी तस्वीर गई है नाना जान, वो खुद नहीं। अरे आदाब राजा साहब, तशरीफ रखिए। आदाब। आज सर्दी बहुत है, कहवा पियेंगे? कश्मीर से हमारी बहन बिस्मिल्ला जान ने भिजवाया है। नूर कहाँ? अरे असगर मियाँ, कहवा ले आए। हमने पूछा है नूर कहाँ है। हुजूर, आपने महापारा को देखा है? सिर्फ 17 बरस की है, माशाल्लाह क्या रंग रूप निकल के आया है, चांद को भी शर्मा दे। अरे नसीबन। जी बेगम साहिबा। जरा महापारा को भेज दो। हमें महापारा से नहीं नूर से मिलना है। नूर से तो मुलाकात मुश्किल होगी हुजूर। हुजूर तस्लीम। क्यों, कहीं बाहर गई है क्या? जी यही समझ लीजिए, नूर राजा साहब गंगानगर की नौकरी में चली गई है। राजा साहब गंगानगर की नौकरी में चली गई? हम समझे नहीं। नूर अब वहीं रहेगी, 5,000 रुपए में नौकरी तय हुई है। तो क्या आपका मतलब है? जी मेरा यही मतलब है कि आप नूर को भूल जाइए। अगर महापारा में दिलचस्पी हो तो बताएं। हम नहीं मान सकते, झूठ कह रही हैं आप। कल राजा साहब गंगानगर के यहाँ मुजरा है, बारादरी में तशरीफ ले आइएगा, झूठ और सच का फैसला हो जाएगा।
जिसको क्यों कराया, क्यों कराया, क्यों कराया उस गैरों से लगाना दिल का, अच्छी सूरत पे गजब टू शादी में भी आइएगा। ये रही पेशकी। शादी? मुझे मालूम था कि राजा साहब पिलोई की बेटी से बात तय हो चुकी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुझे बता दी। मैं किस दिल से अपनी बेटी के आंसू देखती, मगर राजा साहब तो हमें चाहते थे अम्मा। ये एकदम से क्या हो गया? ये रईस ज़ादे होते ही ऐसे हैं, दिल लगी कोठों पे करते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? आप कौन है? अवध का एक सिपाही। ये लोग बड़े भैया कहते हैं, अंग्रेज बागी कहता है, आप जो चाहें कह लें। हमने सुना था कि सरकार के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं,
तो आप हैं वो। बाहर से आए हुए लुटेरों के खिलाफ तलवार उठाने को साजिश न कहिए राजा साहब। वतन पे जान देने वाले राजा अब्बास हैदर के बेटे के मुंह से ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। हमारे वालिद राजा अब्बास हैदर ने वतन के लिए जान दी थी, तो राजा अलीपुर ने आपको भी यही कहानी सुनाई थी। कहानी आपको सुनाई गई है साहबजादे, ताकि आप भी अंग्रेजों के वफादार रहे। हम नहीं मानते, अंग्रेज कभी झूठ नहीं बोलते। मानना तो पड़ेगा राजा साहब, आज नहीं तो कल। अगर आपके ये किस्से कहानियां खत्म हो गई हैं तो हम जाना चाहेंगे। जरूर जाइए, मगर जाने से पहले अपने माँ बाप की कब्रों पे दुआ तो मांगते जाइए। हमारे माँ बाप की कब्र? जी, ये वही जगह है जहां बेगम हजरत महल के नेपाल जाते हुए काफिले पे अंग्रेजों ने हमला किया था, और ये उन शहीदों के मजार हैं जो अपनी मिट्टी की मोहब्बत में मारे गए। अंग्रेजी फौज ने कुछ जख्मियों और कुछ बच्चों को जिंदा छोड़ दिया था। उन जख्मियों में से एक हम हैं और उन बच्चों में से एक आप। I told you not to touch that, didn't I? But you had to go and disobey. Come. 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 Shh. Now. I will have to kill you, my little cat. Oh. Oh. My lovely little half-caste cat. And I will keep one of your fingers for posterity. My remembrance of you. Yes, the box contains all of my trophies. One killing and one finger. कर्बला की बिट्टी है,
इस पर हाथ रख के सच सच बताइए कि हमारे वालिद राजा अब्बास हैदर बागी थे या अंग्रेजों के वफादार। इन पुरानी बातों को निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ दुख होगा। और यह फैसला भी होगा कि हम कौन हैं, एक वतन परस्त के बेटे या गद्दार की औलाद। अमीर, सच बोलिएगा नाना जान, अगर आज भी सच नहीं बोला तो शायद जिंदगी में कभी दोबारा मौका ना मिल सके। तुम्हारे वालिद एक बहादुर सिपाही थे जो वतन को अंग्रेजों से बचाने की लड़ाई में शहीद हो गए। तो आपने इतनी बड़ी बात हमसे इतना अरसा छुपा के क्यों रखी? इसलिए कि हमने अंग्रेजों से मुआहदा किया था, वरना अपने मां बाप की तरह तुम भी मारे डाले जाते और ये रियासत कभी वापस नहीं मिलती। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। सीने पे पत्थर रख के तुम्हें लंदन भेजा और खुद चूड़ियां पहनकर बैठ गए। ये चूड़ियां हमें हर वक्त याद दिलाती कि हम कितने बेशरम, बेगैरत। और उस दिन फिर मीर साहब ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। मीर साहब, मीर मोहसिन हमारे बाबा के साथियों में से एक। मीर मोहसिन को मैं जानता हूं, वो मलिका हजरत महल के उन जानिसारों में से है जो सितौली के हमले में जिंदा बच गए थे। तुमको वही तो लाए थे हमारे पास। हजूर, एक मेम साहब महल के दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो गई है। बेहोश? अरे ये तो किसी मेम साहब है। अरे उठाओ इसको, संभाल के संभाल लेके जाओ। चलो चलो, जल्दी करो। ये उंगली अब्बास हैदर की है। ये अंगूठी मैंने उसे दी थी। ओ मेरे मौला, या अल्लाह, अल्लाह। अमीर, अमीर मेरे बच्चे, मेरे बेटे, या अल्लाह। Saw this with your eyes. इन्हीं आंखों से देखा हुजूर, इन्हीं आंखों से। और मैं तो देखते ही पहचान गया था कि हुजूर की मेम साहब हैं। मगर ये समझ में नहीं आया कि मुश्तरी जान ने उन्हें छुपा के क्यों रखा। बड़ी हर्राफा आई है मुश्तरी जान हुजूर। मुझे तो लगता है ये किटी मेम साहब से भी नादिन धिन्ना मुजरा कराएगी हुजूर, मुजरा। और आप तो जानते हैं सरकार। Watch her closely. And inform me about everything. Inam Laiga. Ji, Huzoor. Ji, bhai baap.
बेटा अपने माँ बाप की तस्वीर देखकर क्या सोच रहे हो? बस ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं नाना जान कि हमने आखिरी बार सच कब और किसकी जबान से सुना था। वो आदमी जिसने बाप बनकर हमें पाला, हमें ईमानदारी और वफादारी का मतलब समझाता रहा, सारी जिंदगी हमसे झूठ बोलता रहा वो। और आपने 20 साल हमसे ये सच्चाई छुपाई कि हमारे वाले राजा अब्बास हैदर गद्दार नहीं थे। और वो लड़की जिसकी खातिर हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ टकराने के लिए तैयार हो गए, वो भी झूठी निकली। अल्लाह मुझे माफ करे, हमने तुमसे झूठ बोला ये सच है। वो मर्दूद कैवेंडिश तुम्हारे माँ बाप का कातिल है ये भी सच है, लेकिन ये झूठ है कि नूर ने तुम्हें धोखा दिया। मुझे खौफ था कि अगर तुमने पिलोई की बेटी से शादी नहीं की तो कैवेंडिश पता नहीं क्या करेगा, इसलिए मैंने और मुश्तरी ने तुम्हें नूर से अलग करने की चाल चली थी। ये क्या किया आपने नाना जान? आपने तो इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम नूर से माफी मांग सकें। अरे शहजादियों, अभी तक पलंग तोड़ रही हो सब? उस्ताद जी रियाज के लिए आने वाले हैं। उस्ताद जी आने वाले हैं, अभी तक कोई नहीं उठा। क्या हुआ अम्मा? रुको, ठहरो, रुको। अरे अगर आपको गाना सुनना है तो रात को आइएगा आप लोग, अभी कहाँ आ गए? Shut up, officer, inform her. कर्नल वार्डन साहब, सरकारी हुक्मनामा लाए हैं। हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे लिए हुक्मनामा आया है? किटी को तलाशने आए। This warrant says identification, inspection and licensing of all coaches and courtesans is now mandatory. Tell her. सरकारी हुक्म है कि कोठे की तमाम रंडियों की जांच की जाएगी। The singing and the dancing girls of Avad must be identified and branded as prostitutes. And as such, you must subject yourself to medical examination for venereal diseases. सब रंडियों का डॉक्टरी मुआयना किया जाएगा कि उन्हें कोई खुफिया बीमारी तो नहीं। अरे खुदा तुम्हें गारत करे, हम डेरेदार हैं, इज्जत है हमारी, कोई बदन बेचने का पेशा नहीं करते, जो खुफिया बीमारी हो बातें करते। Shut up you all! लल्ला, आप समझाते क्यों नहीं है? यहाँ कोई रंडी नहीं है। You will all be branded as prostitutes. And as such, you will be available for our brave British soldiers. सब रंडियों को बहादुर फौजियों की खिदमत करने के लिए छावनी जाना होगा। अरे जाओ। आराम ज़्यादा। मुझे ले चलो। मैं चलूँगी। मैं चलूँगी। उन सुअर के बच्चों अंग्रेजों की खिदमत करने अपनी चप्पल से। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सौ को अंदर ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
अम्मा अम्मा आंखें खोलो अम्मा अम्मा किसी ने पुकारा उसी के काम आया सूफिये बासफा मनम सूफिये बासफा मनम सूफिये बासफा मनम सूफिये बासफा मनम दम हम दम अली अली दम हम दम अली अली सूफिये बासफा मनम सूफिये बासफा मनम चिंता उन्हो को कोई ना मनवा उदास है चिंता उन्हो को कोई ना मनवा उदास है जग में जिन हो को कृष्ण जग में जिन हो को कृष्ण कन्हैया की आस है दम हम दम अली अली दम हम दम अली अली खुदा के वास्ते हमारी बात सुनिए अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा राजा साहब सब कुछ खत्म हो गया हमारा घर हमारी माँ और हम भी वो जलील आदमी जिसने हम सब की जिंदगी में जहर खोल दिया हमें आपसे सिर्फ इसलिए दूर रखना चाहता था कि हम पिलोई की बेटी से शादी कर सकें और सारी जिंदगी उसके इशारों पे नाचते रहे इसीलिए हमसे कहा गया था कि आप राजा गंगानगर की नौकरी में चली गई हैं। मगर ये झूठ है हम जानते हैं ये झूठ है मगर इस झूठ ने हमारे साथ क्या किया शायद ये आप नहीं जानते हर एक लकीर का मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का क्या हुआ ये कुछ नहीं राजा साहब जख्म दिल पर हो या जिस्म पर जल्दी अच्छे नहीं होते हम वादा करते हैं नूर एक एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा जमुना किनारे गोपियां राधा के साथ हैं खड़ी जमुना किनारे गोपियां राधा के साथ हैं खड़ी कान्हा का इंतजार है रस्तम में भीड़ है बड़ी देखन को एक जरा छवि मेरी अरज सुनो जरा मेरी अरज सुनो जरा छेड़ो काने बांसुरी छेड़ो काने बांसुरी दम हम दम अली अली दम हम दम अली अली सूफिये बासफा मनम सूफिये बासफा मनम सूफिये बासफा
कहा था ये हमारी पहचान है। हाँ यही तुम्हारी पहचान है। तुम मुश्तरी की बेटी नहीं हो नूर, तुम्हारी माँ मुश्तरी की बहन ज़ोहरा थी, जिन्होंने बेगम हजरत महल की फौज के एक आला अफसर अजीमुद्दीन खां से शादी की थी। मलका आलिया ने खुद ये बाजूबंद तुम्हारी बाह पे बांधा था। दो बरस की थी तुम, मगर अफसोस उन दोनों में से कोई जिंदा नहीं है। वो दोनों उस काफिले में थे जिस पर इसी जगह हमला हुआ था। वक्त का खेल देखो कि जिनकी कब्रों पे चिराग जल रहे हैं उनके चिराग हमारे सामने खड़े। हमारे माँ बाप की कब्रें कौन सी हैं? याद नहीं, दुश्मन के खौफ से अंधेरे में दफन किया था, मगर शायद वो दो मजार अजीम ज़ोहरा के हैं। हमें मालूम है कि तुमने अंग्रेजी सरकार के तमाम हुक्म ठुकरा दिए, ना ही बीआईए के इलेक्शन में खड़े हुए, ना किसानों से लगान वसूल किया और ना पिलोई की बेटी से शादी की। इस बगावत का अंजाम जानते हो तुम? जी। तुम मलका विक्टोरिया के मुंह बोले बेटे जरूर हो, मगर याद रखना वक्त पड़े तो नागन भी अपने बच्चों को खा लेती है। हर लड़ाई में भी इस लड़ाई में भी कोई लड़ता है अपनी लगन के लिए, कोई लड़ता है लाले यमन के लिए, ये लड़े सिर्फ अपने वतन के लिए। लड़ने जाते हैं जहां बाज बेटे तेरे, ऐ जमीने वतन इनको पहचान ले। तुझसे पूछेंगे कल लोग इनके लिए, किस जगह पे लड़े किस जगह पे मरे। आखिरी बार इन होठों ने क्या कहा, आखिरी यादें कानों में क्या कह गई, कैसा मंजर था वो, कौन सी शय थी वो जिस पर आंखें रुकी और रुकी रह गई। For you, stay back! You turn out to be just another filthy, ignorant Indian! And proud to be, sir. And you, a liar, a murderer, a butcher. I know you killed my parents, and Noor's mother, and God knows how many more poor souls. You deserve no mercy. Whatever I did, I did for my queen and country. And whatever I am doing,
I'm doing it for my country, my people. जा रहे थे जिधर साहिबाने जुनू अपने ख्वाबों का परचम उठाए हुए छेड़ते हर कदम पर शबे तार को अपनी हिम्मत की मशल जलाए हुए अपनी हिम्मत की मशल अपने मुल्क और उसकी आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले जानिसार वक्त के जंगल में खो चुके हैं। अमीर हैदर और नूर जैसे वतन परस्तों के नाम आज तारीख की किसी किताब में नहीं मिलते, मगर उनके पैरों के निशान जिंदा हैं और उन्हीं निशानों पर चलकर आज़ादी की देवी हम तक पहुंची है। हम अपने तमाम गुमनाम शहीदों को सलाम करते हैं। Oh,
savamanam tuvao savamanam sufiyavanam suvao savamanam.